फ्रेंड्स, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सीबीआई के नए डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल ने चार्ज ले लिया है, ये खबर आ रही है। लेकिन एक मेन खबर है जो मैं आप लोगों के साथ अब साझा करने जा रहा हूँ, इंडिया टुडे की ये खबर है और ये वाकया है मंडे का, जिस दिन तीन नामों को सेलेक्ट किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अधीन रंजन चौधरी मौजूद थे और तीन नामों को सेलेक्ट किया गया, लेकिन इस बीच एक लेटर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा गया, ये खबर आ रही है और मैं आप लोगों के साथ इस खबर को शेयर कर रहा हूँ। मामला है सुबोध कुमार जायसवाल के नाम को सेलेक्ट करने पर ये कहा गया कि ये एक अटेम्प्ट है उद्धव सरकार को डिस्टेबलाइज करने का, ये मामला निकल कर आ रहा है। लेकिन खबर आ रही है इंडिया टुडे से। आप लोगों को पता ही है कि इंडिया टुडे ने किस तरह से SSR केस को हैंडल किया, किस तरह से SSR केस में रिया चक्रवर्ती को ऑन एयर टाइम दिया, हालांकि उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये मामला भी, खबर भी इंडिया टुडे से ही निकल कर आ रही है। मैंने इस खबर को कहीं और नहीं देखा, लेकिन मैं इस खबर को आप लोगों तक साझा कर रहा हूँ। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस CBI द्वारा एक ऑब्जेक्शन रेज किया गया, लेटर भेजा गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और ये कहा गया कि सुबोध कुमार जायसवाल के ज्वाइन या डायरेक्टर बनने का मामला एक अटेम्प्ट ऑफ डिस्टेबलाइजिंग उद्धव सरकार गवर्नमेंट है, ये खबर आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर CBI ने FIR दर्ज की, CBI के FIR के चलते ED ने भी ECIR दर्ज कर ली अगेंस्ट अनिल देशमुख। महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई CBI के FIR को। FIR में दो पैराग्राफ को कॉश करने की मांग की जा रही है और उस पर भी यही कहा गया कि ये महाराष्ट्र सरकार को डिस्टेबलाइज करने का मामला है, जहां पर सचिन वाजे का रीइंस्टेटमेंट, सचिन वाजे को स्पेशल केसेस देना और पोस्टिंग और ट्रांसफर का मामला। तो सेम वर्ड सेम लाइंस दोबारा यूज हुई हैं सेम मामले में जो कि रिलेटेड टू CBI है। तो फिलहाल एक खबर आई, मुझे लगा मैं आप लोगों तक इस खबर को पहुँचाऊँ, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या वाकई में खलबली मच गई है सुबोध कुमार जायसवाल के CBI डायरेक्टर बनने से, क्योंकि महाराष्ट्र कैडर के IPS ऑफिसर हैं 1985 बैच के। फिलहाल एक खबर जो निकल कर आई जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि किसी भी और चैनल ने इसे आप लोगों तक नहीं पहुँचाया होगा, ये एक खास खबर। कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।